नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी सैमसंग डिवाइस पे जो है सैमसंग एक्सपीरियंस यूआई 9.1 कैसे इंस्टॉल करोगे। आप देख सकते हो मेरा डिवाइस अभी जो है ये नोगेट पे वर्क कर रहा है, सैमसंग एक्सपीरियंस 8.1 पे। इस पे मैं जो है आपको सैमसंग एक्सपीरियंस यूआई 9.1 इंस्टॉल करूँगा। आप देख सकते हो, आपने पूरा वीडियो मेरा स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कैसे मैंने किया है। बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं कि मुझे पता नहीं चला या मेरे फ़ोन पे वर्क नहीं कर रहा है। आपने जो है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है कि इसमें मैंने जो है सैमसंग एक्सपीरियंस यूआई 9.1 कैसे इंस्टॉल किया है। आप मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, अगर नहीं पता चलेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। आपने बस देखना है क्या किया मैंने और क्या नहीं किया, काफ़ी इजी है, आप भी अपने फ़ोन पे जो अप्लाई कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है जो कि जिप में है, और वो आपको उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, मैं इसको जो है इंस्टॉल करूँगा। आप देखते रहिए, काफ़ी इजी है। ये जो फ़ाइल है मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। ये जितनी भी फाइल्स हैं आपने जो है इन्हें इंस्टॉल करना है। हाँ दोस्तों, ये जितने भी आपको जो नज़र आ रहा है इन सबको आपने जो है इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस पे स्टेप बाय स्टेप। आप देखते रहिए मैंने कैसे जो है इसे इंस्टॉल किया है और कैसे ये अप्लाई करना है। आपने बस करना क्या, आपने मेरा वीडियो पूरा देखना है, स्किप मत करना क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही अपने धीरे धीरे सभी एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल करना है और आपके फ़ोन पे जो है सैमसंग एक्सपीरियंस यूआई 9.1 इंस्टॉल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ना ही ये ट्रायल वर्ज़न है, ये बिल्कुल ही आपका फुल वर्ज़न है, परमानेंट है, आपके फ़ोन पे परमानेंट अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं पहले थीम लेके आता था तो आप बोलते थे कि ये जो थीम है ये ट्रायल वर्ज़न पे है, लेकिन ये जो है ये ट्रायल वर्ज़न पे नहीं है, ये फुल वर्ज़न पे है। आपके फ़ोन पे 101% काम करेगा। आपने बस इन एप्लीकेशंस को जो है इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन पे, काफ़ी छोटी एप्लीकेशंस हैं, आपके फ़ोन को डैमेज भी नहीं करेगी। आपने जो है इन सभी को जो है इंस्टॉल करना है और मेरी वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि बाद में काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं कि मुझे पता नहीं चला, या फिर ऐसे बोलते हैं कि आपने जो है डिवाइस चेंज कर लिया। लेकिन आप मेरे हाथ में जो डिवाइस है देखते रहिए, ये मैं डिवाइस चेंज नहीं करूँगा। मैंने वीडियो भी स्किप नहीं किया है क्योंकि आपको पूरा डिटेल में बताने के लिए। आपने वीडियो मेरा पूरा देखना है और कैसे किया मैंने पूरा उसे ध्यान से देखना है। मैंने जो है ये सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद मैं अपने डिवाइस जो है रिस्टार्ट करूँगा। आप देखते रहिए, रिस्टार्ट करने के बाद ये है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। मैंने अपना डिवाइस जो है रिस्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसको स्किप नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं स्किप करूँगा तो सभी मुझे कमेंट्स करते हैं कि आपने जो है डिवाइस चेंज कर दिया, लेकिन मैंने इस बार जो है स्किप नहीं की वीडियो। ये फ़ोन जो है रिस्टार्ट हो रहा है, रिस्टार्ट होने के बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन पे जो है यूआई जो आपका सैमसंग एक्सपीरियंस 9.1 है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन जो है रिबूट किया है मैंने, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। डिवाइस जो है ऑन होने वाला है। ये जो है आप डिवाइस रिबूट हो चुका है, अब मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, आपका मैसेज आइकन भी चेंज हो चुका है, आपका गैलरी आइकन भी चेंज हो चुका है, आपका गूगल वाला जो प्लेट है वो भी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, और भी यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नेटवर्क आइकन है वो भी चेंज हो चुका है, वाईफाई का भी चेंज हो चुका है। बिल्कुल आपका जो सैमसंग का डिवाइस है बिल्कुल ही सैमसंग एक्सपीरियंस यूआई 9.1 इस पर आ चुका है। आप देख सकते हो बिल्कुल डिवाइस जो है बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। आप अपने डिवाइस पे भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी राउंड में आ चुका है, पहले जो है इसके एजेस थी लेकिन अब ये भी राउंड में आ चुका है। सेटिंग्स भी और आपका नोटिफिकेशन पैनल भी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, देख सकते हो नोटिफिकेशन पैनल भी आपका बिल्कुल चेंज हो गया है, और आपका सेटिंग का जो सिंबल था वो भी चेंज हो गया है। ऑल ओवर जो आपका फ़ोन है मैक्सिमम इसके जो सिंबल्स हैं इसके जो आइकन्स हैं चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल आपके सैमसंग एक्सपीरियंस यूआई 9.1 की तरह, मतलब कि ओरियो की तरह हो चुके हैं। आप देख सकते हो सेटिंग्स भी बिल्कुल
बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। आप भी जो है अपने डिवाइस में इसे इजीली जो है इंस्टॉल कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपने मेरा पूरा देखना है, उसी से जो है आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर जो मेरा चैनल पहली बार विजिट करता है, प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।